बच्चे होते हैं गाड़ी में तो बाप सिगरेट फूंक रहे होते हैं, ऑफ कोर्स वो तो करेंगे, बच्चे तो इमिटेट करेंगे। सिस्टर्स लेवर ऐसी हो गई थी कि उसने अपने हाथ काटा था, अब उसने हाथ काटा है तो वो हमें कॉल ही कर रहा है, तो हमने क्या किया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डील। कॉल्स लेते हैं वो मोस्टली डिस्ट्रेस कॉल्स होती है, और वो भी कोच कॉल्स होती है जो ऑलरेडी किसी मेंटल हेल्थ इशू से डील कर रहे होते हैं। मोर देन 300 अप्रॉक्सीमेटली सुसाइड कॉल्स हमें आई है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू हेल्प ऑल ऑफ देम। हजार से ज़ायद कॉल्स 4 नवंबर 2022 से मौसूल हुई है टेलीमनास को, जो मेंटल हेल्थ के हवाले से काम कर रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में, इसके साथ साथ पूरे मुल्क में। सबसे अहम बात यहाँ पर जो जाननी होगी हमें वो ये कि क्या सिर्फ 10,000 लोग ही कश्मीर में परेशान हैं? नहीं, कई सारे लोग ऐसे, कई सारे लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, स्ट्रेस के शिकार हैं, और अल्लाह ताला बचाए जब उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो खौफनाक रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, वो है ख़ुदकशी का रास्ता। हम इम्हांस में मौजूद हैं, इम्हांस रैनावाड़ी में मौजूद हैं, और यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हिना हाजनी साहिबा हैं जो सीनियर कंसल्टेंट है टेलीमनास की इम्हांस में। आइए बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, 10,000 कॉल्स मौसूल हुई टेलीमनास को, किस तरह की कॉल्स होती हैं ये? हर तरह की कॉल्स होती है, पेशेंट्स अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से मुतासर होते हैं, हम हर तरह की कॉल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स की कॉल्स हमें ज़्यादा आती है, तो फीमेल्स में इश्यूज होते हैं, कभी डिप्रेशन होता है फीमेल्स में, या कभी कभी फीमेल्स जो है लाइफ में बहुत स्टेजेस के थ्रू गुजरती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, मेनार्की हम बोलते हैं उसको, उस टाइम बॉडी में थोड़ी चेंजेस आती है, चाइल्ड बर्थ होती है उस टाइम बॉडी में चेंजेस आती है, मेनोपॉज होता है उस टाइम बॉडी में चेंजेस आती है, या मैरिज होती है, बिल्कुल शिफ्ट होता है एक फीमेल की लाइफ में, तो इन टाइम्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना यूजुअल होता है। इनिशियली फीमेल्स बात नहीं कर पाती थी, बट अभी बात कर पाते हैं। चाइल्ड बर्थ एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर होता है फीमेल की लाइफ में, तो पोस्टमार्टम ब्लूज होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डिसऑर्डर होगा, डिप्रेशन होगा, बट पोस्टमार्टम ब्लूज भी होते हैं, उस टाइम पर भी फीमेल्स को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है जिस टाइम पर वो बात करना चाहती है, तो ऐसे ऐसे होते हैं। या फीमेल्स में डोमेस्टिक इशूज़ होते हैं, कुछ वायलेंस होती है, कुछ होता है, बच्चे में कुछ इश्यूज़ है, पढ़ाई ठीक से नहीं करता है, बाकी इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उससे जूझ रहे होते हैं, तो उसके बारे में वो बात करना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। इतनी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि दवाई की ज़रूरत है, बट इतनी छोटी भी नहीं होती है कि बिल्कुल अवॉइड कर पाए, सो इट्स समवेयर इन बिटवीन, जहाँ पे एक थेरेपिस्ट बहुत हेल्प कर पाता है उनकी। मेल्स में इश्यूज होते हैं, ओसीडी के पेशेंट्स हमें आते हैं, डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स हमें आते हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे होते हैं, बट सिर्फ ड्रग ट्रीटमेंट सफिशेंट नहीं होता है उनके लिए, उनके रिलेटेड थेरेपी काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, हमें अकेले रहते हैं बहुत लोग, लोनलीनेस होती है उस टाइम पे होता है, बिरीवमेंट होता है फैमिली में, डेथ होती है, उसके बाद उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो उस फेज़ में इट प्रूव्स हेल्पफुल। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे मतलब डिसऑर्डर नहीं होता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं होता है विच अमाउंट्स टू कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा ओसीडी होता है, मेजर डिप्रेशन होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हमें होते हैं, एंगजाइटी, जो नॉन एंगजाइटी केसेस होते हैं जो ट्रीटमेंट पे भी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऑन एन एवरेज दिन में कितने कॉल्स मौसूल होते होंगे? हमें ऑन एन एवरेज 100 कॉल्स आती है, ऑन एन एवरेज 100 हमें 100 कॉल्स आती है। इसमें से कितने ऐसे होंगे जो शायद रेगुलरली कॉल करते होंगे? रेगुलर देखिए, जैसा आपने पहले ही कहा कि मोर देन 10,000 कॉल्स हमें अभी तक आई है, एंड मोर देन 1,000 हमें फॉलो कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स के
पीपल आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। अच्छा, इसमें हजार से ज्यादा ऐसे होंगे जो हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। हाँ, जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं हमें थेरेपिस्ट को। हमें ये भी देखना होगा कि फ़ोन पर ही सब कुछ हो रहा है, बात हो रही है, और अगर आपको लगता होगा इन बिटवीन किसी को आने की ज़रूरत है, आप उनको मशवरा हाँ, भी देते होंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि कितना हेल्पफुल साबित हुआ अभी तक? हेल्पफुल बहुत रहा है, बिकॉज देखिए ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स, पेशेंट एक एक घंटा, दो दो घंटा, मैक्सिमम ड्यूरेशन में 3 घंटे की कॉल रही है। एट द एंड ऑफ द कॉल पेशेंट सेटिस्फाइड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो दैट इंडिकेट्स कि सक्सेस रेट है। फॉलो कर रहे हैं हमें पेशेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा आउट ऑफ 10,000 हमें 1,000 अप्रॉक्सीमेटली 1,000 पेशेंट्स हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं, हम दूसरे नंबर पे आते हैं। अभी हम करंटली दूसरे नंबर पे हैं। हाँ। पहले नंबर पे कौन? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि महाराष्ट्र के पास एक ही सेंटर नहीं है, हमें जेएनके में पूरा सिर्फ एक सेंटर है, महाराष्ट्र में मोर देन वन सेंटर्स दिस टाइम रनिंग है, सो उस वजह से मे बी उनका काउंट हमसे ज्यादा है। बट देन सेकंड नंबर हमारे यहाँ कश्मीर में एक सेंटर है या जम्मू कश्मीर में? हमें इस वक्त ओवरऑल इस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख को कैटर करता है सिर्फ ये हमारा जो इम्हांस का टेलीमान सेंटर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमें ये एक सेंटर। हाँ, ये एक सेंटर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। हाँ, मौजूद है। हमारे पास जो ये यहाँ पर सेल है कितने डिविजन्स होंगे इसके? हमारे पास इस वक्त 20 टोटल काउंसलर्स हमारे पास हैं, जिसमें से हमें एक मेल है, 19 हमें फीमेल, ऑल वुमेन गैंग है यहाँ पे। तो हमने डिवाइड किया हुआ है ग्रुप्स में इनको। okay. तो ये ग्रुप्स में 24 आवर्स सर्विसेज देते हैं। या आप मतलब डोर लॉक बार बार करते हैं, उसको चेक करते हैं मैंने किया लॉक कि नहीं, ऐसा करते हैं आप? व्हाटएवर पर्सन जो भी है आप, यू कैन से चीज़ों को तो आप मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि चीज़ें बराबर ऑर्डर में हैं, हर जगह अपनी जगह होनी चाहिए परफेक्ट हर चीज़। तो इस वक्त हमारे साथ काउंसलर हैं जो अभी कॉल एक अटेंड कर रही थी, अभी इनके बदले कोई और कर रहा है कॉल अटेंड, लेकिन ये हमारे साथ बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? मेरा नाम बिस्मा है। बिस्मा, बिस्मा जी हमें बताइएगा कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं एज काउंसलर? पहले मैं इससे पहले रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में काम करती थी, बट टेलीमानस में हम जब से टेलीमानस स्टार्ट हुआ एक श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में, तब से मैं टेलीमानस में हूँ। अभी हम आमने सामने बैठे हैं, आप मेरे एक्सप्रेशंस देख रही हैं, टोन चेक कर रही हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी मेंटल स्टेट किसी न किसी हद तक ऐसी होगी। वो पेशेंट घर बैठे आपको कॉल करता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता उनसे डील करना? बिल्कुल। पहले मैं आपको बोलूँगी कि जो भी हम इन पर्सन काउंसलिंग की बात अगर मैं करूँगी तो वहाँ पे हमें पेशेंट जो आता है तो हम उसकी फ़िज़िकल जो भी हम देखते हैं उससे, मतलब एक तो वर्बल क्यूज़ होते हैं और नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं। वर्बल क्यूज़ होते हैं जो हमें पेशेंट बताता है कि मैं परेशान हूँ, मुझे ये डिफ़िकल्टी है, और दूसरा होता है कि हम उसके बिहेवियर से पता चलता है कि पेशेंट अगर परेशान है तो वो किस स्टेट में आ रहा है, वो कैसे घबराया हुआ है या आराम से बैठा है। तो बिल्कुल कॉल पे मुश्किल है जानना हमारे लिए, लेकिन ऐसा होता है कि हमें ऐसे ही ट्रेन किया गया है ताकि हम कुछ सवालात उनसे ऐसे करते हैं कि हमें पता चल जाती है कि पेशेंट का मेंटल स्टेट कैसा है अभी। और अगर मैं बोलूँगी आपको, जब भी हमें डिस्ट्रेस कॉल आती है तो पेशेंट पहले ही डिस्ट्रेस में ही होता है, और अगर आप कोई ऐसी कॉल होती है तो ऑलरेडी पता ही होती है हमें कि पेशेंट अगर ऑलरेडी किसी डायग्नोसिस की है, उसका एंजाइटी है, डिसऑर्डर्स है, या कोई डिप्रेशन डिसऑर्डर या कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, तो हमें पता ही होती है कि इसके साथ हमें कैसे डील करना होता है। किसी बच्चे की कॉल मौसूल हुई कभी? जी जी, हमें हुई है।
छोटा बच्चा था 13 ईयर्स का, एग्जाम रिलेटेड इशू था, तो जो कि मुझे लगता है कि अननोटिस्ड रहता है, बट परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इज समथिंग मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बताऊँगी, अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हम, उनको नहीं पता होती कि हाउ वी शेड्यूल आर टाइम टेबल, हम कैसे डील कर सकते हैं, जबकि पोटेंशियल उनमें होता है, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट और कैपेबल ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो, बट द थिंग इज लाइक उनको पता नहीं होती है कि हाउ वी शेड्यूल आर टाइम टेबल, हाउ वी फिक्स द गैप्स, हाउ वी, मतलब वो चीज़ें। तो मुझे लगता है उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसे हम कॉल्स लेते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम वी गॉट दिस टेलीमास हेल्पलाइन नंबर, हमने वहाँ से देखा, हमें किसी ने बोला, तो मुझे लगता है उनको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेशेंट हमारा ऑलरेडी ही था, बट उनको क्या था कि हमें सेशंस लेता था, बट स्ट्रेस लेवल ऐसी हो गई थी कि उसने अपने हाथ काटा था। अब उसने हाथ काटा है तो वो हमें कॉल ही कर रहा है, तो हमने क्या किया, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डील एट फर्स्ट, बिकॉज मैं आपको बताऊंगी अगर इन पर्सन ऐसा कॉल आएगा वी विल प्रोवाइड द इमीडिएट फर्स्ट एड, बट ऐसा है कि कॉल पे वी आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड दैट फर्स्ट एड, बट हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव द डायरेक्शंस। तो वी डिड द सेम, हमने उसको बताया कि अभी आप कहाँ पे है, फर्स्टली वी ट्राई टू प्रोवाइड हिम फर्स्ट एड कि उसको पहले वो जो वॉन्ड है वो पहले कवर करे। तो हमने उसको डायरेक्शंस दी कि पहले तो आप अपने, अगर वहाँ पे आपके पास इफ़ यू हैव सम क्लोथ्स और कुछ भी, जस्ट पहले आप कवर योर वॉन्ड फर्स्ट, देन आफ्टरवर्ड्स। तो उनके फादर हमारे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे आ गए, तो हमने उनके फादर को इन्फॉर्म किया आपके मतलब जो बेटे हैं उनने ऐसी किया है, प्लीज़ आप अगर आपके घर पर कोई है या अगर आप नज़दीकी है प्लीज़ आप अपने बेटे के पास जाए। तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच आपने मुझे बताया वो ये, तो फिर उन्होंने उनको वो, उन्होंने बोला मैं अपनी मिसेस को बोलूँगा वो घर पे है, तो उन्होंने इमीडिएटली मिसेस के साथ कनेक्ट किया, तो फिर उनकी मदर आई, मसला ठीक हो गया। हाँ मोर देन 300 अप्रॉक्सीमेटली सुसाइड कॉल्स हमें आई है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वेर एबल टू हेल्प ऑल ऑफ देम एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए सुसाइडल पेशेंट जो होता है, इट्स नॉट कि वो आज सुसाइडल है, उसने अब इरादा किया कि नहीं आज मैं सेटल हो गया, अब आज मैं ठीक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कल को वो नहीं करेगा, कल को वो फिर से हो सकता है, बिकॉज अंडरलाइन जो प्रॉब्लम है वो जब तक एड्रेस नहीं करेंगे सुसाइडलिटी के रिस्क, उसके चांसेस है आगे भी। फ़ोन किया पेशेंट ने, दैट मीन्स ही वॉन्ट्स हेल्प है। रिसर्च है कि जो सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में, वो अपने, उनका कोई फ्रेंड होगा फैमिली मेंबर होगा, दे विल कन्वे, वो इशारा दे देते हैं, वो इशारा पिक करना होता है, चाहे वो फैमिली हो फ्रेंड्स हो। कोई अगर कहे दैट ही इज़ फीलिंग सुसाइडल, ही इज़ एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, ही इज़ फीलिंग होपलेस, डोंट टेक दैट लाइटली, क्योंकि वो एक सिग्नल होता है, वो एट रिस्क है, कर सकता है वो। प्रॉब्लम्स हमेशा से थी, कश्मीर एक कन्फ्लिक्ट जोन बहुत टाइम से रहा है, बट देन हमें ओपीडी में उतने पेशेंट्स नहीं आते थे। वजह क्या थी, लोगों को पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ क्या है, इनफैक्ट जो खुद डिप्रेस्ड होता था उसको खुद भी समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फैमिली भी अंडरस्टैंड नहीं करती थी, स्टिग्मा होता था, हॉस्पिटल अभी उतना डेवलप नहीं था, सर्विसेज उतनी नहीं थी, अभी भी डर्थ है साइकाइट्रिस्ट की, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ की। एंड अगर हम आज से 20 साल पहले की बात करें, 30 ईयर्स बैक हम बात करें, उस टाइम तो ज़्यादा ही थी, एंड प्लस जैसा मैंने कहा स्टिग्मा था, या लोगों को पता ही नहीं होता था होता क्या, मेरे साथ हो क्या, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे, मैं एंग्शियस हूँ, मुझे पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, उसको पता भी नहीं होती थी कि मुझे इसके लिए किसी डॉक्टर को, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अब लेकिन ये है कि लोग धीरे धीरे अब समझ रहे हैं, अब मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की बातें होती है, मीडिया बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, फैसिलिटीज़, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में हमें इस वक्त साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है, तो लोगों को अब पता चल रहा है नहीं ये प्रॉब्लम है। एंड ऑफकोर्स बियॉन्ड दैट कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जो ऑफकोर्स बढ़ रही है, ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, बच्चों में कुछ इशूज़ बढ़ रहे हैं,
लो वैल्यूज़, एडिक्शन वगैरह वो बढ़ रही है हमें। सुसाइड के केसेस पहले इतने थे नहीं थे, अब ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ओवरऑल एकेडमिक्स का स्ट्रेस होता है, बाकी कोविड हो गया उसका स्ट्रेस हो गया, तो मल्टीपल स्ट्रेस जो होते हैं उस वजह से भी ये चीज़ें बढ़ रही है। बट ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स वो हमेशा से रहे हैं, बट देन अब आइडेंटिफाई हो रहे हैं हमारे यहाँ। वी ऑल नो इम्हांस है, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है लोग यहाँ आ जाते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में बताइएगा मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमें इस वक्त हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन साइकाइट्रिस्ट हमें अवेलेबल है, एंड जो अभी नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेट हुए हैं वहाँ पे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है। हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला है इस वक्त, वहाँ एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है साइकाइट्री का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अनंतनाग में है वहाँ पे है, जो हंदवारा में अभी सेट हुआ है वहाँ रिक्रूट होने वाले हैं, कुछ हो गए हैं और अभी और रिक्रूट होने वाले हैं, तो वहाँ पे फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट बन गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी हॉस्पिटल्स हमें अवेलेबल है, एटलीस्ट वन साइकाइट्रिस्ट हमें अवेलेबल है ही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। मैं इस फील्ड में हूँ पिछले 7 साल से, मैंने इन 7 सालों में ही इतना ह्यूज डिफरेंस देखा। हमारी ओपीडीज़ होती थी वहाँ, जो हमारा डी एडिक्शन सेंटर है, हमारी ओपीडीज़ होती थी, हार्डली हम 20 पेशेंट्स के अराउंड देखते थे, एंड 20 पेशेंट्स में कैनबिस होता था, चरस जिसको हम बोलते थे वो होता था, हार्डली कोई एक पेशेंट होता था जो हेरोइन लेके आता था। आज काउंट इज, मैं बता नहीं सकती आपको कि आज काउंट क्या है, एंड आजकल जो पेशेंट, आजकल जो वीड है, जो चरस है, वो जैसे प्लेन सिगरेट की तरह है, वो बॉदर नहीं करता आप घर वालों को। घर वाले बोलते हैं, मतलब आई हैव सीन मदर्स, हम पेशेंट का टेस्ट करते हैं उसमें दिखाता है कि चलो हीरोइन अभी नहीं कर रहा है बट चरस अभी भी ले रहा है, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं तो अभी भी चरस ले रहा है, तो मदर्स आर लाइक नहीं नहीं डॉक्टर साहब तो यू नो ऐसे हीरोइन मच कर रहा, चरस उच्च साले। और ऑन एवरेज कितने पेशेंट्स आते होंगे इस तरह के? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स देयर। हमारी ओपीडीज, अगर हम ओपीडी बंद नहीं करेंगे पेशेंट्स नहीं बंद होंगे ना, पेशेंट्स आते रहते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डोंट सीक हेल्प, वहाँ पे वो आते हैं जो एटलीस्ट हेल्प चाहते हैं। बल्क जो है दैट्स ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो असली प्रॉब्लम कम्युनिटी में है इस वक्त वो तो आते ही नहीं है। खवातीन कितनी होंगी? खवातीन पहले नहीं थी बट अब बढ़ रहा है। खवातीन भी आती है? खवातीन भी आती है, अनफॉर्चुनेटली खवातीन भी आ रही है। बच्चा तो नहीं होता है कोई उसमें? बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं, 10 साल के बच्चे देखते हैं हम, 9 साल के बच्चे देखते हैं हम। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि सिनेरियो बिगड़ रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसमें अब सबको इन्वॉल्व होना है, चाहे डॉक्टर्स है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, सबको मिल के काम करना है। दैट्स द ओनली वे जहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर कोई इस तरह का इस वक्त है? हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल, बट अभी हमें यहाँ ईदगाह साइड से रिहैबिलिटेशन सेंटर अवेलेबल है। हमें अपना सेंटर भी वहाँ पे, हमें इन पेशेंट सर्विसेज भी वहाँ पे अवेलेबल है। पेशेंट्स हम एडमिट करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं हम पेशेंट्स को वहाँ पे, बट देन सब्सटेंस ड्रग अब्यूज़ ऐसा है, वी से कि रिलैप्स इज़ अ रूल इन ड्रग अब्यूज़, दैट मीन्स फिर से होगा ही, क्योंकि जब तक वो अच्छे से रिहैबिलिटेट नहीं होंगे कम्युनिटी में, जब तक वो रिहैबिलिटेट नहीं होंगे तब तक इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। जो अभी रेनाउंड स्कूल्स है इस वक्त सिटी में, बाकी जगहों पे वहाँ से आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं हमें स्कूल में है ये, हमें अवेलेबल होता है ये, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। अनफॉर्चुनेटली किन पेशेंट्स को यहाँ आने की दावत देते हैं आप बाज़ दफ़ा? कभी जहाँ पे हमें लगता है जहाँ पे थेरेपी अलोन इज़ नॉट एबल टू हेल्प, या थेरेपी की ही ज़रूरत है बट देन थेरेपिस्ट हेल्प नहीं कर पा रहा है, एंड कोर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ओसीडी है, स्किजोफ्रीनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन है जिसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है, ये नहीं हेल्प कर, या सुसाइडल पेशेंट चाहे इवन इफ़ दे आर एबल टू हेल्प द पेशेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल वी मेक श्योर कि हमें पेशेंट फॉलो करें हॉस्पिटल में, क्योंकि जब तक अंडरलाइंग प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी तब तक सुसाइड के रिस्क हमेशा रहेगा उस पेशेंट में। सो ट्रीटिंग अंडरलाइंग, चाहे उसको स्किजोफ्रेनिया है, चाहे उसको डिप्रेशन है, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर है, चाहे ओसीडी है, जो वो जब तक एड्रेस नहीं होगा सुसाइडलिटी का रिस्क हमेशा रहेगा उसमें। सो वी मेक श्योर कि हम कन्विंस करें उस पेशेंट को कि वो फॉलो करें हमें। आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे, टेलीमानस कितना इजाफा इसमें कितना होगा स्टाफ का या इंफ्रास्ट्रक्चर का?
फिलहाल तो स्टाफ का ऐसे नहीं है, फिलहाल इसका जो वो थ्री टायर सिस्टम हमारा है, हमारा बेसिक जो 20 काउंसलर्स हमें है फर्स्ट टायर पे, जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हमारे पास है, उसके बाद हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, उसके बाद हमें डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स एंड सीनियर कंसल्टेंट्स हमें अवेलेबल है। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमें ई प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल होंगे, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे पेशेंट के साथ, प्रॉब्लम सुनेंगे, पेशेंट को देखेंगे, उसका पूरा वो स्टेटस हम जानेंगे एंड ई प्रिस्क्रिप्शन फिर होगा, ई प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को जाएगा वहाँ पे एंड वो दवाइयाँ ले सकता है। तो उसमें भी ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स को फिर आने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी हम जिनको बोलते हैं आने के लिए, तो वो एक फ़ायदा हो जाएगा। अभी हमें स्टाफ ये है कि जो हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अभी है वो हमें अभी रिक्रूट नहीं हुए, बट इन सम टाइम हमें वो रिक्रूट हो जाएंगे, तो वो भी हमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी वजह से भी बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज दे आर लिटिल बिट मोर ट्रेंड, वो फॉर्मल होता है, उनका एमफिल कोर्स होता है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इनका बेसिक हमारा साइकोलॉजी में कोर्स होता है, सो दे आर मोर ट्रेंड देन दीज पीपल, सो वो एट टायर टू है हमें, तो ये ट्रांसफ़र करेंगे कॉल्स उनको विच दे आर नॉट एबल टू हेल्प। एक सवाल है वो ये कि वक्त के साथ साथ जो आपने खुद कहा कि तब्दीली आई हर एक सूरत में, जो आपने पहले सिनेरियो देखा उसके बाद आज देख रही हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है, कदर मुख्तलिफ है, एमहांस तब से आज क्या चेंजेस हैं, किन नए डिपार्टमेंट्स का इजाफा हुआ, किस तरह से अभी ये फंक्शनल है? आप देखिए, मैं आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करेंगे, ओपीडीज यहाँ पे मतलब 3-4 घंटे तक पेशेंट्स आते थे, और वो भी कोर पेशेंट्स, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया होता था जो बिल्कुल मैनेज नहीं होता था घर पे, बाइपोलर पेशेंट्स होते थे वो मैनेज नहीं होते थे, सीवियर ओसीडी होता था वो आते थे, या सीवियर डिप्रेशन होता था वो आते थे, बट अभी हमारी ओपीडी 4-5 बजे तक भी जा सकती है। कोविड से पहले तक हमारी ओपीडी एसएमएचएस में होती थी, 5 बजे से पहले हमारी ओपीडी ख़त्म नहीं होती थी और फिर हमें बंद करनी पड़ती थी, 5 बजे के बाद हम इमरजेंसी रखते थे, इमरजेंसी में भी रात भर वहाँ पेशेंट्स आते थे। कोविड के बाद अभी हमें वो फंक्शनल वहाँ जनरल ओपीडी फंक्शनल नहीं हुई है, वहाँ हमारी चाइल्ड एंड डी एडिक्शन ओपीडी है, बट यहाँ पे देर हैज़ बीन मतलब ह्यूज नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अभी आ रहे हैं एंड हर दिन, ये नहीं कि वर्किंग डे है या मंडेज ट्यूजडेज को रश होता है, बट थ्रू आउट 6 डेज हमारी फुल ओपीडी होती है, 4 बजे तक, 4 बजे से पहले नहीं निकल पाते हैं हम लोग, 4 बजे तक फुल ओपीडी, कभी 4:30-5 तक भी जा सकती है हमारी ओपीडी, बहुत रश होता है पहले के मुकाबले में, मतलब यही आप यही 10 सालों की बात करें तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है। तो ओपीडीज का आपने बताया कि बहुत ज़्यादा रश होता है, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे किस तरह की नए डिपार्टमेंट्स का इजाफा हुआ यहाँ पर? जैसे हमारा चाइल्ड का डिपार्टमेंट जो पहले आज से 5-6 साल पहले उतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं था, बट अभी हमें फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट है, जो अंडर यूनिसेफ हमें रिक्रूट हुआ था वो डिपार्टमेंट, वी हैव एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देयर, वी हैव काउंसलर्स देयर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें, सोशल वर्कर है हमें, हमें वहाँ पे अदर स्टाफ है, डॉक्टर्स भी है हमें वहाँ पे, तो वो फुली फंक्शनल हमें चाइल्ड साइकेट्री डिपार्टमेंट वहाँ पे बन गया है, चाइल्ड एंड चाइल्ड गाइडेंस सेंटर हमें बन गया है वहाँ पे, डी एडिक्शन सेंटर हमें ऑलरेडी था वहाँ पे, बट देन उसमें नई नई मेडिकेशंस हमें अवेलेबल हुई है इस वक्त, तो उसका भी प्रोग्रेस वहाँ पे हुआ है। यहाँ पे हमें जनरल ओपीडी इट्स रनिंग, जैसे मैंने आपको 6 डेज अ वीक हमें जनरल ओपीडी रन करती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारा था दैट्स गेटिंग बेटर डे बाई डे हमें यहाँ पे, सो ओवरऑल थिंग्स आर इम्प्रूविंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ईसीटी सर्विसेज हमें यहाँ पे अवेलेबल है फुल फ्लेज्ड, अब हमें उसका भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है। एमआरआई सर्विसेज हमें यहाँ पे अवेलेबल हुई थी जो यही 3-4 साल से अवेलेबल है, उसका भी फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट हमें यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। इनफैक्ट पेशेंट बाहर से आते हैं हमें ऑर्थोपेडिक्स से पेशेंट्स आते हैं, चाइल्ड मेमना से, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से हमें पेशेंट्स आते हैं, एसएमएचएस में जहाँ डेट बहुत दूर मिलती है, कभी कभी 1-2 हफ्ते पेशेंट को डेट देते हैं, तो यहाँ पे उनको हम जल्दी हो जाती है डेट्स में, तो डेफिनेटली हाँ हमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे अच्छा इस्टेब्लिश हुआ है। एक और यू दे सकती हैं आप, इस वक्त यहाँ इमहांस में कितने पेशेंट जेरे इलाज होंगे ओपीडी में? तो देर आर 300-400 पेशेंट्स तो हमें एवरेज आते हैं, इन पेशेंट्स हमें 30-40 पेशेंट्स तो एडमिट होते ही हमें ऑन एवरेज, हाँ होते हैं ऑन एवरेज हमें होते ही फीमेल्स मेल्स। इनको डील करने के लिए इमहांस में क्या स्टाफ होगा हमारे पास?
स्टाफ हमें अवेलेबल है, बट देन डेफिनेटली हमें जो नई बिल्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है उसका अपर पोर्शन हमें है, जो पेशेंट्स हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे होते हैं, सो वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट देम फ्रॉम ओल्ड क्रॉनिक वार्ड्स जो हमारे पास है वहाँ पे, बट देन उसके लिए अभी स्टाफ हमें रिक्रूट करना है, तो वंस दैट स्टाफ इज रिक्रूटेड तो विल शिफ्ट दोज पेशेंट्स टू दैट। वो जो अभी बिल्डिंग देखी थी आपने स्टार्ट में जब आए थे तो वो दैट्स फ्यू ईयर्स ओल्ड, वो यही तीन चार नई बिल्डिंग है हमारे पास, वो तो दैट्स रियली गुड ना, वेरी वेल इक्विप्ड, बिल्कुल जैसी ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के लिए वैसी ही वो डिज़ाइन की हुई है, तो दैट्स गुड।